हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। भूप सिंह टेक्निकल आर्ट में आपका स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं फिर से क्राफ्ट पेपर के द्वारा बच्चों के लिए अनेक प्रकार की वस्तुएं बना के दिखाएंगे आपको। और आप लोग ये चीज़ें घर पे ही उपलब्ध हो जाती हैं आसपास मार्केटों में, तो आप क्राफ्ट आर्ट यानी कि कागज़ के द्वारा हम कई प्रकार की चीज़ें बना सकते हैं, तो अपने घर को सजा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं स्केल की मदद से एक लाइन खींच लेंगे, दो सेंटीमीटर की लाइन खींच लेंगे। आप देख सकते हैं हमें इसके बीचों बीच, हाँ रुक दो, चलो यहाँ पे पहले लगा देंगे निशान और हम ये इसको खींच देंगे। और इसको जब पूरा नहीं काटेंगे इसको, आप देख सकते हैं ये सारा हमने काट लिया है। आप देख सकते हैं स्टेज में हम इसको हम थोड़ा सा जोड़ देंगे, गोंद लगा देंगे इस पर एक सेंटीमीटर दो सेंटीमीटर के अंदर अपने साथ लगा के। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लू लगा देंगे, और इसको आपस में हम चिपका देंगे। आप देख सकते हैं बराबर तरीके से देख लेंगे हम इसको कि हमारा बराबर है कि नहीं। इसको इस तरीके से दबा देंगे थोड़ा, और हम इसको फिर इस तरीके से मोड़ देंगे, और इसमें भी हम गोंद लगा लेंगे थोड़ा एक साइड में। आप देख सकते हैं इस तरीके से इसको हम ऐसे करके यहाँ पे एक स्टेपलर भी हो जाएगा। आप देख सकते हैं थोड़ी देर के लिए इसको पकड़े रहेंगे ताकि ये आसानी से चिपक जाए। साथ ही इस पर स्टेपल भी कर देंगे ताकि ये इधर उधर हिले ना। और अब हम लेंगे A4 के कागज के, जो ये देख सकते हो ये अलग अलग प्रकार के कलर हैं ये। अब हम इसको माउंट करेंगे, आप देख सकते हैं ये 10x10 के हैं ये। ये देखिए 14 सेंटीमीटर के हैं ये, 14x14। इस तरीके से चिपकाएंगे, ये इस तरीके से इसको हम चिपका देंगे सभी को। आप देख सकते हैं इसको एक साइड कर दीजिए, ज़्यादा छोटा बड़ा ना हो,
एक जैसे ही कलर में चालू छ कट कर दो थोड़ी बीच में कट कर दो। और हम अब एक शीट लेंगे, ये चमकीली जो है इसको कट कर देंगे। आप देख सकते हैं ये देखिए मैंने ये काट लिया है, अब इसको साइड में कर देते हैं। अब इसको जो है थोड़ा छोटा छोटा एक पीस कर लेंगे हम। ये देखिए हमने पीस कर चुके हैं। अब इस गम की सहायता से इसको हम चिपकाएंगे हर एक इस पे, आप देख सकते हैं इस पे इस तरीके से चिपका देंगे इसको, आप देख सकते हैं इस तरीके से हम सारे में चिपका देंगे। बारी बारी से हम सभी में इस तरीके से चिपका लेंगे। ये देखिए इसके बाद हम इसको लेंगे, इस पर चिपकाएंगे। इसको पहले हम इस तरीके से रख देंगे। अब इस पर हम गम लगाएंगे, यहाँ पे चिपकाना है हमको बीचों बीच। ये देखिए इसमें हम ज़्यादा आगे ना हो ज़्यादा पीछे ना हो इस टाइप से हम इसको चिपका देंगे। ये देखिए इसमें एक भी एक साइड में हार डाल देंगे और इस तरीके से इसको चिपकाएंगे और फिर इसको थोड़ा सा घुमा लेंगे, इस पर भी गोंद लगाएंगे। इस तरीके से सभी को बारी बारी से चिपका लेंगे हम, और एक और चिपकाएंगे। ये देखिए कितना टू इस पे भी आप कौन लगा दीजिए स्टेपल से, इसको कर सकते हैं। ये देखिए इसके अंदर से इसको आप अपने घर के ऊपर लगा सकते हैं। इस तरीके से हम घर के ऊपर किसी एंगल में ऐसे टांग सकते हैं इसको, चाहे इस तरीके से रखते हैं, चाहे घर पे इसका स्टैंड बना के इसको अंदर रख सकते हैं। आप किसी भी तरफ आपको अच्छा लगे तो आप इसको रख सकते हैं ऐसे। देखिए इसको घुमा घुमा के दिखाओ ऐसे। ये देखिए साथ ही देखिए आपको ये बना के दिखाया, इस तरीके से आपको ये फ्लावर्स भी दिखाई देंगे। ये भी सब क्राफ्ट आर्ट ही है, गुलाब हो गया, सूरजमुखी हो गए, कनेर टाइप के कई फ्लावर आपको हम बना के दिखाएंगे। और भी बने रहिए हमारी वीडियो पे, अगली वीडियो आपको गुलाब की दिखाई देंगे। ठीक, और आप लोग देख सकते हैं झूमर भी दीपावली के शुभ अवसर पर ऐसे बच्चे बना सकते हैं, हमने इसकी वीडियो डाली है, आप हमारी वीडियो देखिए और इस टाइप का देखिए ये कैसे बना है। सारी चीज़ें हमने वीडियो में बता रखा है कि किस तरीके से इसको कटिंग किया जाता है। ये क्राफ्ट पेपर है, बहुत ही आसानी से मार्केटों में मिल जाता है आसपास की दुकानों पे। ये देखिए दिवाली में हम लोग ऐसे कटिंग करके सजा सकते हैं अपने घरों को, कितना प्यारा है, कितना सुंदर है। लगातार हम अपने स्टूडेंट को बता रहे हैं, वो भी अपने घर को डेकोरेशन के लिए बना रहे हैं लगातार। और दीपावली की आपको अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद, ओके।